Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Lovely Garden. कैसे हैं आप? I hope अच्छे होंगे. ये देखिए हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा देसी गुलाब के फूल खिले हुए हैं, जो जिसमें की खुशबू बहुत ही ज्यादा है और जो देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं. तो गाइस, मैं इनमें क्या डालती हूँ ये भी आपको शेयर करते चलती हूँ. साथ में ये भी बताती हूँ कि हमारे यहाँ बारिश हुई, उसके साथ ओले भी गिरे और आज तो 10-11 बजे तक कोहरा था और उसके बाद ही धूप हुई. और जैसे ठंड विंटर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर धूप फिर से वापस आ जा रहा है. तो हम लोग सब अपना जो विंटर का गर्म कपड़ा था सब रख दिए थे, फिर बढ़ गई विंटर तो निकालना पड़ गया. तो गाइस, ये जो रोज़ फ्लावर प्लांट होते हैं उनके अलावा जो भी फ्लावर प्लांट होते हैं, देखिए जैसे कि ये शोपीस वाला पौधा मैंने एज अ कटिंग लगाया था, तो ये देखिए खूब अच्छे से चल पड़ा, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया. तो ये जो फ्लावर प्लांट होते हैं इनमें मैं जो दूध और दही मंठे वगैरह जो बेस निकलते हैं उनको उनमें पानी डाल के दूध जैसे कि फट जाता है अक्सर गर्मियों में, या फिर कभी कभी हम लोगों के यहाँ बिल्ली आकर दूध को जूठा कर देती है अगर दरवाज़ा खुला रहता है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें पानी डिजॉल्व करके फिर उन्हें इन प्लांट में अप्लाई कर देती हूँ. तो वो भी एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है और उसे इस्तेमाल भी करना भी बहुत ही आसान होता है. और जैसे कि आप हमारे सभी फूलों में देख सकते हैं कि है भी फ्लावरिंग है, आपको पत्ते कम फूल ज़्यादा दिखाई देंगे, तो यही मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है और उससे किसी तरीके का फंगस वगैरह नहीं लगता है. बस आपको करना ये होता है कि जो भी आपके पास मटेरियल है, दूध दही जो कि वेस्ट है, जिसे कि किसी कारण आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उन्हें फेंकना पड़ रहा है, तो आप उसे फेंकिए ना, उसे आप उसमें पानी मिला दीजिए और उसके बाद अपने रोज वाले फ्लावर प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी फ्लावर प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं. वो थोड़ा सा एसिडिक भी होता है और प्लांट के लिए अच्छा भी होता है, तो जिसके कारण देखिए इतने लार्ज साइज के फूल खिले हुए हैं. ये फूल इनमें ओस और कल तो पानी भी पड़ा था, ओले भी गिरे थे, तो इसकी वजह से थोड़े से ये झुक से गए हैं. इनका वजन बहुत ही ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं भर भर के कलियाँ आई हुई हैं. तो मैंने सोचा कि हालांकि ये बहुत छोटी बात थी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि रोज़ प्लांट में फूल न खिलने की समस्या बहुत लोग कहते हैं कमेंट करके. और बाकी भी मेरे जितने भी फ्लावर प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. तो आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है प्लीज़ बताइएगा. आज तो हमारे यहाँ धूप नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है वो भी 11 बजे. तो इन दिनों मैं वही अप्लाई की थी बटर मिल्क, तो इससे रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आया है रोज़ प्लांट पे. तो ये जो किचन से निकले हुए बेस्ट मटेरियल होते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं रोज़ प्लांट के लिए और उससे फूल भी काफ़ी अच्छे मात्रा में आते हैं और ग्रोथ तो आप देख ही सकते हो रोज़ प्लांट की कितनी बढ़िया से चल रही है. और इस तरीके से देखिए, कभी कभी हम लोग प्रून तो कर देते हैं प्लांट को पर उस पर ना ही ब्रांच आती है और ना ही फूल खिलते हैं. तो ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं इसे मानती हूँ. और जैसा कि स्प्रिंग का मौसम चल रहा है तो गुलाब में ग्रोथ वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं और ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है मेरे इस रोज़ प्लांट की. सभी रोज़ प्लांट की केयर मैं उसी तरीके से करती हूँ, सेम तरीके से, और सभी पे बहुत ही ज़्यादा कलियाँ बन रही हैं. और एक यहाँ पर भी फूल खिला हुआ है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इनमें तो पहली बार सुगंध बहुत ही ज़्यादा होती है. और ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ है. और जितने भी फ्लावर प्लांट हैं उन सभी में कलियाँ आ रही हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र के तौर पे होता है, तो आप इसे ज़रूर से इस्तेमाल करें. और इन दिनों हमारे सभी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, तो यही सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ. तो और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए जा सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अगर आज ही मैं बता दूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो गाइस, और देखिए ये बोगनविलिया जिसे प्रून किया था ये भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है उधर यहाँ.